चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सब के? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ जी आपके साथ इस्लामाबाद का ये हसीन ब्लॉग, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने इस्लामाबाद नहीं देखा, और अगर देखा भी है तो इस नज़र से नहीं देखा। जिस दिन मैंने ये ब्लॉग रिकॉर्ड किया था उस दिन मौसम इतना हसीन हो रहा था कि इस्लामाबाद की खूबसूरती को चार चांद लगा देने वाली बात है। ओके जी, तो ज़्यादा वॉइस ओवर ना करते हुए यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ये ब्लॉग कुछ टाइम पहले का है। जो व्यूवर्स मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने पहचान लेना है कि इस दिन एक और ब्लॉग आया था, तो वो था जी देश परदेश सैदपुर विलेज का, और ये है जी दामनेको का। ये व्लॉग मैंने शूट किया था जी फेस कैम, और मैंने सोचा था कि मैं फेस ट्रेल जो है वो इसी व्लॉग में करूँगी और फिर आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर करूँगी। लेकिन क्या था कि आई थॉट कि अभी वक्त नहीं आया इतना शौकी होने का, तो फिर जी मैंने ये व्लॉग तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो अभी मैं ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ जी जस्ट फॉर मैम। दामनेको हो या फिर इस्लामाबाद के नॉर्दर्न एरियाज़ के जितने भी पिकनिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे जी साइडों पे इस तरह से मॉन्कीज मिलते हैं आपको। बच्चे देख के ना इतना खुश हो जाते हैं इनको। और यहाँ पे मैं हमारे ड्राइवर भाई ने रास्ते में हमें याद दिलाया जी ब्रेड ले लेंगे वहाँ पे बंदरों को डालेंगे, तो इस वक्त ना बच्चे मुझे रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे थे, कह रहे थे कि मामा फ़ोन अंदर करें ये छीन के ले जाएंगे, और मेरे हस्बैंड के काम चेक करें, यहाँ गाड़ी में बैठे बैठे इनको ब्रेड इस तरह से कैच दे रहे हैं। बाकी फैमिलीज़ जो हैं वो बच्चों के साथ स्पेशली नीचे उतर के और जी इनको खाना वगैरह जो भी स्लांटीज चिप्स और इस तरह की चीज़ें छलियाँ जो है ना, छली वाले यहाँ पे खड़े होते हैं तो उनसे छलियाँ ले लेके इनको जी खिला रहे होते हैं, तो फैमिलीज़ बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। आप भी इंजॉय करेंगे गाइज, रहिएगा वीडियो में एंड तक, अभी तो व्लॉग स्टार्ट हुआ है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस व्लॉग का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा जी, यहाँ पे मुस्कान जो है ना वो मंकी से ही डर रही है, तो एंटर करते ही यहाँ पे एक ज़ोरदार तमाचे की आवाज़ आई और सब ने जी इधर उधर मुड़ के देखा कि ये क्या हुआ है, और जिसको वो तमाचा पड़ा था ना उसको ही समझ में आया कि उसके साथ हुआ क्या है, बाकी किसी को भी समझ में नहीं आया। यहाँ पे लड़के खड़े ना बंदरों के साथ मस्तियाँ कर रहे थे कि उनको खाने की चीज़ आगे करते थे उनकी तरफ, पीछे कर लेते आगे करते थे पीछे कर लेते थे, तो फिर जी उसने भी जो रख के दी ना कि मैंने कहा ज़िंदगी भर याद रखेगा। बंदर के साथ पंगा लिया था कभी, घाव लाल हो गया था बेचारे का, ये इतना ज़ोर के मारा ना उसने, मेरा पहलवान बन गया जंपिंग कर ऐसे करके जबरदस्त कर दे एक्सरसाइज, वो तेरा पहलवान।
दामनिको का ये पॉइंट जहाँ घंटों खड़े रह के आप इस्लामाबाद को यहाँ से देख सकते हैं, कुदरत के हसीन नज़ारे, इतना पुरसकून मकाम है ये कि यहाँ इंसान खड़े रह के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को अज्यूम करता है, बाकी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कब चल रहा है, कहाँ चल रहा है, सब कुछ भूल जाता है। यकीन माने जितनी बार भी हम गए हैं और इतनी बार ही ऐसे कुछ अजीब सी, कुछ बड़ी ही पुरसकून सी वाइब्स आती हैं और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, शाम का टाइम यहाँ पर हो रहा है और रोशनी से जो है वो अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था जब हम लोग निकले थे, तो अभी तो खैर ही देखें तकरीबन जो है ना मेरे ख्याल में तब 5 या 5:30 बजे का टाइम था, ठीक है, तो तब जी 6:30 या 7:45 बजे शाम होती थी, तो अभी ये आप देखेंगे। अच्छा, वहाँ से हम लोग वही जितना टाइम गुजारे उतना ही कम लगता है, तो वहाँ से हम लोग निकले फूड पॉइंट की तरफ और हमने सोचा कि कुछ खा भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे जी पान की इतनी मीठी सी और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि जी मैं यहाँ खिंची चली आई। यहाँ देखे कुछ सकाफत के रंग और पान वाले भाई की हिस्ट्री इनकी ज़ुबानी सुनी। इन्होंने जी बताया कि किस तरह से ये लेजेंड्स के साथ इन्होंने अपनी पिक्चर्स बनवा बनवा के यहाँ पे अपनी शॉप के अंदर फ्रेम करा के लगाई हुई हैं, जैसे कि अभी आप देखें मैडम नूरजहाँ के साथ और बाकी और भी जितने भी लेजेंड्स हैं हमारे उनके साथ इनकी पिक्चर्स मौजूद थी। पहले क्या लेना है, एक दफा डिसाइड कर लो। पिंक लेना है, क्या हो गया? पिंक, हाँ कौन सा? येलो दे दो। मुस्कान को देख के अभी आपको लगेगा कि जी ये कोई धमकी दे रही है या कोई चैलेंज, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई बच्ची आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। कि यहाँ पे हमने अपनी तरफ से व्लॉग का कर दिया था एंड और हम जी वापसी के लिए पार्किंग तक आ गए थे
लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी तो बहुत टाइम बाकी है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है और फिर अगर नाइट व्यू नहीं देखा इस्लामाबाद का तो क्या देखा। तो चलते हैं वापस और रुकते हैं अभी। तो यहाँ पे जी मैंने इन फैमिली की बहुत ही खूबसूरत से मोमेंट्स कैप्चर किए, जबकि इन्हें पता ही नहीं है कि इनकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। तो भाई साहब बता रहे हैं भाभी को कि वो रहा मनाल, तो अगली बार चलेंगे आपा उथे। हाँ जी, और अगर आप लोगों ने भी जाना हुआ तो बताइएगा, मैं आप लोगों को ले चलूँगी। और यहाँ मैंने कुछ बनाए स्लोमो एवं मस्ती में। पार्किंग से वापस आना इसी पॉइंट पे वापस कम से कम 15 मिनट लगते होंगे। और उस दिन मेरे हस्बैंड हमें इतना चलाया था, जैसे पहले हम गए थे सैदपुर विलेज और उसके बाद हम आए थे जी दामने को, स्पेशली इस नाइट व्यू को देखने के लिए हम लोग आए थे जी वापस। और आके जब हमने देखा तो कमाल, मतलब स्पीचलेस। अच्छा, इससे पहले भी हम लोग काफ़ी दफ़ा जाते रहे हैं, लेकिन नाइट व्यू जो है ना वो इस बार हमने के लिए। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।